हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज आपके लिए आए हैं ग्रैंड विटारा पेट्रोल, प्योर पेट्रोल है और सिग्मा मॉडल है, बेस मॉडल जो पेट्रोल में आती है। भाई मैं ये बोलूँगा, इतना वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है ये जो है सिग्मा। और आज इसमें इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। देखो फ्रंट में जो है ना, इसमें यहाँ पर DRL आती हैं और ये लाइट जो है प्रोजेक्टर आते हैं इसमें हेलोजन वाले येलो कलर के। तो इसका आज ऑनरशिप रिव्यू शेयर करेंगे हम और इसके बारे में जानते हैं ओनर ने सिग्मा ही क्यों ली और इसकी तरफ क्यों गए ग्रैंड विटारा की तरफ। ये देखो साइड में अलर्ट डलवा रखे हैं इन्होंने, मतलब कीलेस एंट्री भी आती है बेस मॉडल में ही, सोच सकते हो आप। ये देखो एक बार रियर से और दिखा देता हूँ मैं आपको। ये देखो रियर से लुक क्या ज़बरदस्त लगती है भाई, जो देखने में लगती है ना ये काफ़ी ज़बरदस्त लगती है। और डिफॉगर आता है इसमें पीछे, देखो टेल लाइट्स, कनेक्टेड टेल लाइट्स आती हैं और स्मार्ट हाइब्रिड है, एक फुल्ली हाइब्रिड आती है एक स्मार्ट हाइब्रिड। ये बेस मॉडल में स्मार्ट हाइब्रिड मिल जाएगी आपको। तो चलो देरी ना करते हुए अगर ऑनर से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में कितने की पड़ी 2024 में। और ये देखो इंटीरियर में देखो, केवल इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं आता है, ऑटोमेटिक एसी सब चीज़ मिल जाएगी आपको। तो चलो मिलते हैं एक बार ऑनर से, जानते हैं इसके बारे में क्या क्या चीज़ें कराई हैं, क्या क्या चीज़ें गाड़ी के साथ आती हैं। चलो ऑनर से मिलते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो भाई कैसे हो? बढ़िया भाई, राम राम जी। और भाई कैसे हो? और दीपक भाई? मैं ठीक हूँ भाई। ऑनर मतलब किन्होंने लिए गाड़ी एक बार इसके बारे में बता दी। भाई ऑनर जो है हमारे भाई हैं और ये हमारे दीपक भाटी जी। तो भाई कब ली थी आपने? भाई कल ली थी, थी आपने। तो कितने की पड़ी आपको? ये भाई पड़ी थी 13,40,000 की। तो भाई किसने सजेशन दिया था आपको कि इस गाड़ी की तरफ जाओ, बेस मॉडल ग्रैंड विटारा, किसने बोला था आपसे? तो दीपक भाई बताएंगे इस गाड़ी के बारे में ज्यादा। तो भाई मतलब बेस मॉडल ही क्यों लेनी थी आपको ग्रैंड विटारा इन भाई को? भाई पहली बात तो अगर मैं वैल्यू फॉर मनी की बात करूं गाड़ी तो बेस मॉडल ही सबसे ज्यादा गाड़ी बिक रही है ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा क्योंकि लोग अगर टॉप मॉडल की तरफ जा रहे हैं तो भाई 8 लाख रुपए सेव हो रहे हैं उसके बेस मॉडल से। अच्छा। और जबकि मैं एक बेसिक किट लेने के बाद तो मुझे लग रहा है कि मैं एक टॉप मॉडल की गाड़ी चला रहा हूँ एक तरह से। वैसे मेरी गाड़ी में पैनोरमिक सनरूफ नहीं है, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प नहीं है। अगर मैं लेदर से अंदर डैशबोर्ड की बात करूँ वो लेदर शेड नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा प्रीमियम हो जाता है बस। अच्छा, वाइपर नहीं है पीछे? पीछे वाइपर नहीं है। और सिग्मा में अलॉय नहीं आते है ना? सिग्मा में अलॉय नहीं आता है, लेकिन इसमें क्या है कि बेसिक किट आप ऐड करा लो। हाँ, उसमें मिल जाता है। अच्छा, तो आपने कब ली थी भाई ने? ये कल निकलवाई है भाई, शाम हम लेके आए थे इसको। अच्छा, कितने की पड़ी फिर ये बेस मॉडल? बेस मॉडल पड़ी 13,40,000 की। 13,40,000 मतलब ये अलॉय समीत है या एस सीरीज किट समीत है? बात करूँ गाड़ी भाई 13,19,000 की ऑन रोड है। हाँ, शोरूम के अंदर। लेकिन कुछ अच्छे रिलेशन थे शोरूम वालों से तो कहीं ना कहीं इसमें मैंने काफी हैवी डिस्काउंट ले लिया तो मुझे बेसिक किट के साथ 13,40 में पड़ गई। अच्छा, बेसिक किट के साथ 13,40 में पड़ गई। तो भाई वेटिंग वगैरह कितनी है इस पे? भाई वेटिंग बहुत है। कितनी है? लगभग उसने मुझे बताया था, हम गाड़ी लेने गए थे ऐसे था दो महीने के आसपास। अच्छा, 2 महीने की वेटिंग है इस पे। तो आपको 2 महीने के भीतर मिल गई है? 2 महीने क्या भाई, मैं तो कह रहा हूँ 20 दिन के अंदर गाड़ी ले ली। आपके अगर कहीं अच्छा रिलेशन है तो आप ले सकते हो। मुझे मैंने टॉप मॉडल की तरह गाड़ी ले ली है। अच्छा, टॉप मॉडल तो नहीं कह सकता लेकिन उसकी तरह ही है कुछ। अच्छा, तो चलो भाई पहले इसके बारे में बात करते हैं, क्या क्या करवाया आपने इसमें जो शोरूम से हुआ सारा काम? सारा काम शोरूम से ही हुआ है। हाँ, तो फ्रंट में क्या क्या काम कराया? फ्रंट में भाई कुछ नहीं है, सिर्फ एक तो अलॉय डलाए। नहीं, फ्रंट में तो इसमें कुछ नहीं कराया ना आपने? कुछ नहीं, फ्रंट में ये क्रोम लगवाए। क्रोम लगवाए? ये क्रोम आ जाती है तुम्हारी। हाँ ठीक है, अलॉय आ जाते हैं। अच्छा, साइड में अलॉय आ गए कंपनी के। हाँ, इनका प्राइस वगैरह मतलब वो तो किट में है। 6,000 अगर आप अलग से परचेज करोगे। टायर तो वही चल गए थे इसमें? टायर वही थे। टायर साइज जो इसका 17 इंच आता है, दूसरा 15, 60, 17। अच्छा, ORBM इंडिकेटर आता है ना, सेम ही है मतलब बेस मॉडल में ORBM पे इंडिकेटर आ रहे हैं। और की लेस एंट्री वगैरह आती है इसमें? और रियर में कुछ कराया भाई आपने? अच्छा, डोर वाइजर कंपनी से। हाँ, अंदर भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम भी नहीं था। अच्छा, अंदर से बात करते हैं। चलो एक बार अंदर से बताइए भाई, आइए। इंटीरियर में क्या क्या चीजें आई थी इसमें? भाई इसमें कुछ सब कुछ आया था लेकिन इसमें डिस्प्ले नहीं आई थी बस। अच्छा, ये ऑटोमेटिक एसी वगैरह सब कुछ गाड़ी के साथ था, ये डिस्प्ले डलवाई हमने अलग से। हाँ। स्पीकर मिले हैं आगे। और दो बाद में मिल जाएंगे, मुझे बोल रहे हैं बाद में मिल जाएंगे अंदर। और बाकी किट का वगैरह डलवाई हमने इसे, बेसिक किट में ही है सभी। तो ये कितने का पड़ा था आपको? भाई ये लगवाया था हमने 6 के करीब। अच्छा, इसमें लेदर नहीं आती क्योंकि टॉप मॉडल में आती है लेदर। और तो चारों पावर विंडो, ये इसका स्टेयरिंग है यहाँ पे मोड वगैरह ये और सब चीज़ें भाई जबरदस्त है। तो भाई मतलब दीपक भाई आपने और कौन सी गाड़ियाँ देखी थी भाई आपने? गाड़ी तो काफी देखी थी। इसकी तरफ ही क्यों गए?
दीपक भाई ने कहा गाड़ी में बताता हूँ जो आप बोलो। दीपक भाई ने, चलो दीपक भाई से करते हैं। दीपक भाई कि इसकी तरफ ही क्यों गए आप भाई? वैल्यू फॉर मनी, वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है। अच्छा, स्पेस बहुत अच्छा है सब गाड़ियों के अनुसार। हाँ, और चलाने में बहुत ही स्मूथ है। अच्छा, अगर मैं कभी सर्विस की बात करूं मेंटेनेंस की इस गाड़ी की, तो बहुत ही कम है। अच्छा, अदर जैसे किया से अगर हम किया की तरफ जाएं तो एक सोनेट गाड़ी है, पहले वो बुक कर ली थी, लेकिन उसका माइलेज और उसका मेंटेनेंस लोगों से पूछा, फीडबैक लिया, तो थोड़ा सा हैवी था। अच्छा, सोनेट फिर आपने कैंसिल कर दी? वो फिर कैंसिल कर दी। अच्छा, फिर उसके बाद भाई ग्रैंड विटारा बुक की, ग्रैंड विटारा में बेस मॉडल। अच्छा, लेने का रीजन यही था, विदाउट एक म्यूजिक छोड़ के बाकी इसमें सब कुछ था। अच्छा, तो भाई सीएनजी की तरफ क्यों नहीं गए फिर आप? सीएनजी ना लेने का रीजन? सीएनजी भाई चलानी नहीं थी, सीएनजी की पहले गाड़ी है एक। गुजरपुर गाँव भाई का, गुजर उस गुजरपुर तो भाई काफी जबरदस्त है। तो भाई इस गाड़ी के बारे में आप तक संतुष्ट हो चला रहे हो आप? बिल्कुल, मतलब यही लेनी थी फिर जाके। देखो चलाने में बहुत अच्छी गाड़ी है, काफी ऊंची भी यार, इतने प्राइस में तो यार बेचारे मेरे को कीलेस एंट्री व्हील की गाड़ी के अंदर। हाँ, पुश बटन स्टार्ट हो गया। हाँ, बेस मॉडल में ही बिल्कुल। वन साइड भाई इसका क्लाइव है, क्रूज कंट्रोल है, फुल तो है नहीं, एक साइड का है बस, वॉल्यूम वगैरह का है। और तुम्हारा एसी क्लाइमेट कंट्रोल है, ऑटोमेटिक एसी आता है इसमें। ये तो एवरेज वगैरह कितना दे देगी आपको निकाल के आपके हिसाब से? भाई को सलाह दी आपने, अगर हमारे पंजे की बात है तो भाई 18-19 तो आराम से निकाल देंगे एक सर्विस के बाद, क्योंकि नई गाड़ी तो भाई अभी रमेगी, फिर उसके बाद एवरेज पे जाएगी। अच्छा, तो मतलब ये फीचर्स लगे आपको कि जिन फीचर्स के हिसाब से आप इसकी तरफ गए? बिल्कुल भाई, चारों पावर विंडो है अंदर से ही, अगर मैं मिरर की बात करूँ वो भी सेट हो जाते हैं बेस मॉडल में। अगर तुम किसी गाड़ी का बेस मॉडल लेने जाओगे ना तो ये इतने सारे फीचर्स देख लेना नहीं मिल पाएंगे। बिल्कुल, ये चीजें तो हैं। खैर भाई, बेस मॉडल में इतने सारे फीचर्स नहीं मिल पाएंगे, और सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी भी इसका ये प्रोडक्ट बेस मॉडल ही है जो है। बेस मॉडल ही है। हाँ, तो बेस मॉडल ही, और सजेस्ट करेंगे आप बेस मॉडल की तरफ ही जाएं, ये छोटी मोटी चीजें आप आफ्टर मार्केट हो जाएंगी। प्राइस डिफरेंस भी तो बहुत काफी ज्यादा है। टॉप मॉडल कितने का था भाई इसका? 22,77,000 का भाई इसका टॉप मॉडल। 22,77,000, तो भाई वो क्यों नहीं लिया फिर? वो सनरूफ वगैरह इसमें मिल जाता भाई? सनरूफ का क्या करूंगा, क्यों किसी ने रोड़ा मार दिया तो यार वैसे टूट जाएगा। हां, वो सनरूफ की नीड नहीं है भाई को, तो भाई थोड़े से सिंपल आदमी है, मतलब ठीक है। मैंने अपने 8,00,000 सेव करने थे एक बेस मॉडल टॉप मॉडल के चक्कर में। तो भाई को ये सजेशन दिए फिर आपने। भाई पहले कौन सी गाड़ी थी इससे पहले आपके पास? भाई इससे पहले स्कॉर्पियो थी मेरे पास, स्कॉर्पियो वैगनआर थी। अच्छा, वही रीजंस रहे मतलब 10 साल वाले की आपने जो डीजल की तरफ नहीं गए? तो वही है, अब लोगों की थिंकिंग यही हो चुकी है कि ये जो है ना डीजल को कम प्रेफर कर रहे हैं, पेट्रोल की तरफ जा रहे हैं, मजबूरी मान लो ये सब चीजें 10 साल देख रहे हैं। हमारे ग्रेटर नोएडा में जो है थोड़ी सी मजबूरी है कि डीजल 10 साल ही चलता है, तो उसके हिसाब से भाई के पास पहले स्कॉर्पियो थी, वो सेल आउट करनी पड़ी, तो जब फिर ये लिए भाई। मतलब अब तो क्रेटा भी आ गया फेसलिफ्ट, और आपका सेल्टोस का भी फेसलिफ्ट आया है, तो इसकी तरफ ही क्यों गए आप? क्या रीजंस रहे इसकी तरफ जाने के? अच्छी लग रही है यार, प्रीमियम लुक है गाड़ी की, बस एक सनरूफ ही तो नहीं है गाड़ी के अंदर। अच्छा, और क्या? और तो बाकी सब कुछ है, म्यूजिक सिस्टम भी तो नहीं है, बस वो लगवा दिया भाई हमने सुबह मॉर्निंग में। बाकी चारों पावर विंडो है और तुम्हारा एलॉय आफ्टर मार्केट डल गए इसमें। हाँ, मतलब वही शोरूम से डल गए एलॉय हमें मिल गए गाड़ी के अंदर। हाँ, और क्या चाहिए यार नॉर्मली। अच्छा, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी लग रहा है आपको? बहुत अच्छी गाड़ी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसका इतनी बड़ी गाड़ी का भाई मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा एवरेज है। भाई इसमें ज्यादा पता भी नहीं चल रही कि बेस मॉडल है, वैसे इसमें एक रूफ रेल नहीं आती है तो उसके हिसाब से, और एक इसमें सनरूफ नहीं आता है, नहीं तो सारी चीजें करा ली हैं भाई ने, और ये लाइट्स वगैरह चेंज हो जाएंगी, टॉप मॉडल बन जाएगी बिल्कुल। ये देखने में मतलब जबरदस्त लगती है। तो वो भाई और कुछ कहना चाहोगे इस गाड़ी के बारे में? और कुछ ना भाई, कुछ नहीं भाई, अच्छी गाड़ी है, बहुत बढ़िया है। हाँ, थोड़ी वेटिंग में है, वो तो शोर सिफारिश से आपको तो मिलगी मिलगी भाई, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया गाड़ी है। और एक चीज और है भाई, पीछे से डिस्क ब्रेक आते हैं देखो बेस मॉडल में, मतलब बेस मॉडल में ही इतना वैल्यू फॉर मनी है, कीलेस एंट्री, डिस्क ब्रेक पीछे, और ये टेल लाइट, कनेक्टेड टेल लाइट्स वगैरह, आगे ऑटोमेटिक एसी, मतलब काफी जबरदस्त है। सुजुकी काम तो जबरदस्त कर रही है। तो चलो भाई, और इसके बारे में ज्यादा डीपली जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट में करना, भाई उसका रिप्लाई करेंगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।